होता था वो हमें पता चले। और ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जब भी भविष्य के बारे में सोचोगे, जब भी आप कोई नई चीज बनाना चाहोगे, कोई भी नई चीज का जो आविष्कार होता है, ठीक है, तो ये जरूरी है कि आप पिछले जमाने में क्या हुआ था, किस तरह के आविष्कार हुए थे, उसको समझना बहुत जरूरी है आगे का सोचने के लिए। ठीक है, अभी तो हम सब मोबाइल फोन यूज करते हैं, है ना। आपको पता है पहले के जमाने में वायर वाला फोन होता था, टेलीफोन, ठीक है, और उसके भी पहले के जमाने में टेलीग्राम होता था, ठीक है। ऐसे बहुत पुराने जमाने की पुरानी चीजें होती थी, बट जिन वैज्ञानिकों ने मोबाइल फोन बनाया, ठीक है, अगर उनको ये नहीं पता होता कि टेलीफोन कैसे काम करता है, क्या वो मोबाइल बना पाते? नहीं बना पाते, है ना। उन्होंने इतिहास की स्टडी की, इतिहास को समझा, है ना, तभी उन्होंने आगे की चीजें वो आविष्कार कर पाए, आगे के प्रॉब्लम्स वो देख पाए। और सबसे जरूरी बात जो है कि वस्तु संग्रहालय की सारी वस्तुएं हमें जरूरी कहानियां बताती है। सबको कहानी सुनना पसंद है? Yes! है ना। और इन कहानियों से हम अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं, जो बुरी चीजें हैं उनसे भी सीखते हैं, और जो अच्छी चीजें हैं हम उनसे भी सीखते हैं। तो आज हम आपके लिए ऐसे ही कुछ कहानियां लेके आए हैं जो बस के अंदर है, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसी कहानियां होगी जो शायद आपने पहले सुना है, बट कुछ ऐसी भी होगी जो शायद आप आज पहली बार सुनने वाले, ठीक है। सब कहानियां सुनोगे ना? ठीक है। तो हमारे वस्तु संग्रहालय में, ठीक है, एक बहुत पुरानी किताब है। आप लोगों ने अकबर के बारे में पढ़ा है? अकबर जो मुगल राजा थे, ठीक है, तो अकबर जो है उनके अकबर के बेटे का नाम किसी को पता है, जो बड़ी कक्षा में जहांगीर का नाम सुना है, वो भी एक मुगल राजा थे, ठीक है। तो अकबर, क्योंकि वो उस जमाने में एक बहुत बड़े राजा थे, तो उनको लगा कि मुझे अपने बच्चे को, ठीक है, अपने बेटे, क्या है, अनमेरी सोहेली, हाँ, अनमेरी सोहेली के अंदर हम लोग ये किताबों की चीजें आपको बस में भी दिखेगी, बट मैं ये ऐसे आपको दिखाने लाई हूँ। बहुत अलग अलग तरीके की कहानियां हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, बट जो ओरिजिनल है वो फारसी में था, ठीक है, और जो एक्चुअल जो कॉपी है, जो हाथ से लिखा हुआ कॉपी है, वो हमारे मुंबई के एक, हमारा मुंबई में जो म्यूजियम, जो सर ने आपको बोला छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, उसमें वो अकबर का बनाया हुआ ओरिजिनल कॉपी है, ठीक है। अभी इन कहानियों को दिखाने के लिए, बुक से तो आप कहानी पढ़ते रहते हो, है ना, तो हमने कुछ अलग करने के लिए, आपको कहानियां और सुंदर तरीके से दिखाने के लिए हमने कागज का इस्तेमाल किया है। आप सब कागज से, छोटे क्लास में स्पेशली आप लोगों ने प्लेन बनाए होंगे, बिल्ली बनाई होगी, मेंढक बनाया होगा, है ना, कभी ना कभी तो बनाया ही है, अलग अलग तरीके ओरिगैमी सिखाया जाता है, है ना, ऐसे सुंदर सुंदर चीजें बनाना सिखाया जाता है। तो हमने इसी ओरिगैमी को यूज करके इन कहानियों को हमने बस में दिखाया है। तो जब आप सबसे पहले बस के अंदर जाओगे, ठीक है, आपको बहुत सारी पक्षियां दिखेंगी,
बर्ड्स, अलग अलग कलर की बर्ड्स, ठीक है। तो उसकी ऐसे इतना शायद गुरु वालों को इतना नहीं दिखेगा, पर ऐसे अलग अलग तरह की आपको पक्षियां दिखेंगी, अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के, ठीक है। इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊं, सुनोगे? यस। ठीक है, तो क्या होता है कि जंगल में दो पक्षी होते हैं, वहां पे आपको दिखेगा ब्राउन कलर का है, ठीक है, ब्राउन पता है ना सबको? यस। ठीक है, इस पक्षी का नाम है सर, वन बच्चों का रंगे जाए, रंगे पक्षींकडे जाऊन गेलं, ते राजा पक्षीकडे जातात, सगळ्यात मोठा पक्षी बघा वरती लाल आणि काळ्या रंगाचा, ते एकत्र येऊन जातात आणि एकत्र आणायला जातात आणि तेव्हा समुद्र देतो त्यांना। त्या पक्षातून आपल्याला काय कळतं, आपण एकत्र काम केलं की काय होतं, आपलं काम सोपं होतं की नाही ते दाखवलं गेलेलं आहे, ठीक आहे। आणि इकडे बघा, या कलेची सुरुवात कशी झाली, आपण मी तुम्हाला बघितलं तुम्ही होड्या बनवता बरोबर की नाही, पण पहिली सुरुवात होड्यापासून नाही झाली, अशा गोष्टीपासून झाली, घरी बघा वेगवेगळ्या वापराच्या गोष्टी या पुढे या दोन राय पुढे। आता इकडे काय काय मला सांगायचं तुम्हाला, काय काय दिसत आहे, डोंगर आहे बरोबर आणि कासव आहे बरोबर, पाण्यात कोण आहे का, इकडं नाही तो माशी आहे पहिला, आणि काय झाडाला फुलं आहेत का, कुठची रंगाची फुलं आहेत, गुलाबी पिंक बरोबर की नाही, तर या सगळ्या गोष्टी तिकडे बनवलेले आहेत आणि कशाने बनवले ते कशाने बनवले आहेत सांगा, कागदानी बरोबर। या तिकडे काय काय दिसत तुम्हाला, वेडूक दिसतोय का, हिरवा दिसतोय ना, आणि वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत की नाही, ह्या पण कुठच्या गोष्टींनी बनलेल्या आहेत, कशाने बनलेल्या आहेत, कागदानी। तुम्ही कधी बनवलंय का हे अशा गोष्टी बनवलेत, हे काय मला सांगायचं, झाडावर काय आणि फुलं नाही आहेत, पक्षी आहेत, पक्षी आपण बघतो की नाही, एक प्रकारचे पक्षी आहेत आणि एक थोडे खूप सारे आहेत, खूप सारे आहेत की नाही, आणि एकच रंगाचे वेगवेगळ्या रंगाचे, कुठच्या कुठच्या रंगाचे तुम्हाला सांगा जरा, बघा ते काय सांगते, लाल ब्लू येलो आहे का, येल्लो गुलाबी बरोबर, आणि ब्राऊन आहे का, चॉकलेटी आहे का, आहेत की नाही, खूप सारे की नाही, ऑनलाईन करत या करत या, आणि इकडे एक मुलगी पण आहे दिसते का तुम्हाला, दिसते की नाही, बरोबर यायचं आहे, इकडे काय तुम्ही गोष्ट ऐकलीत का, उंदीर आणि सिंहाची, सिंह जाळ्यामध्ये अटकतो उंदीर सोडवतो की नाही, आपली एक गोष्ट आहे पक्ष्यांची, दिसते का तुम्हाला, आणि वरती कुठचं पक्षी दिसते का तुम्हाला, उडणारा कास दिसतोय का, तिकडे त्याला घेऊन जात आहे पक्षी जागेवर तिकडे, ठीक आहे। दोन लाईन कुठे गेले, दोन लाईन, दोन लाईन कुठे आहेत, मगरमच्छ आणि वरती कुठे माकड, माकड त्याच्यामध्ये काय आहे तुम्हाला माहिती आहे का, काय गोष्ट सांगा जरा मला, माकड आहे ना रोज आपल्याला
Oh, Tom.